नमस्कार दोस्तों, हार्वेस्ट एंड कुक में आपका स्वागत है। आज हम हमारे टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट करेंगे राइप टोमेटोस और बनाएंगे इसका यम्मी सा टमाटर का चटनी, जो स्वाद में चटपटा, तीखा और खट्टा होता है। ये चटनी डोसा, चपाती और चावल के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। कच्चा हरी टमाटर का चटनी और चेरी टोमेटोस का सैलड भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। रेसिपी शुरू करने से पहले देखते हैं टमाटर का प्लांट केयर अधिक यील्ड पाने के लिए कुछ टिप्स। टिप नंबर वन, कट्टी छाछ यानी बटर मिल्क को डाइल्यूट करके 15 दिन में एक बार स्प्रे करने से प्लांट हेल्दी होकर बहुत अच्छा यील्ड देता है। टिप नंबर टू, वाटरिंग कंसिस्टेंट होना चाहिए, जैसे दिन में 2 बार। गमले की मिट्टी ना बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ना फुल्ली सॉगी, और इसका पॉटिंग मिक्स जैसे हम पिछले वीडियोस में देखते आए हैं, सूखे पत्ते, कोकोपीट, नीम केक और मैन्यूर का इस्तेमाल कर सकते हो। टिप नंबर थ्री, क्योंकि टमाटर का पौधा एक ट्रॉपिकल प्लांट है, आप इसे ऐसे जगह रखें जहां कम से कम 5 से 6 घंटों की धूप होती हो। टिप नंबर फोर, अगर आप कंटेनर्स में प्लांट करते हो तो ये ध्यान में रखना है कि इसके रूट्स बहुत डीप तक फैलते हैं। छोटे कंटेनर्स इस्तेमाल करने से प्लांट ग्रोथ में असर हो सकता है। टिप नंबर फाइव, इन प्लांट्स में बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए आप नीचे का 6 से 8 इंच सरफेस का स्टेम का एरिया क्लियर करके, यानी लीव्स फॉर्मेशन जो होता है उसे प्रून कर सकते हो। चलिए देखते हैं टमाटर चटनी की रेसिपी।